रूस और यूक्रेन युद्ध में जितने दिन बीतते जा रहे हैं वो उतना ही ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेनी सरजमीं पर भीषण कोहराम मचाया हुआ है। रूसी सैनिक यूक्रेन पर इस कदर हावी हो रहे हैं कि यूक्रेन चाहकर भी पश्चिमी देशों के बिना कुछ नहीं कर पा रहा है। रूस अब यूक्रेन के इलाकों पर चुन चुन कर बड़े पैमाने पर बमबारी कर रहा है, जो यूक्रेन के एयर डिफेंस ही नहीं बल्कि पश्चिमी मिसाइलों को भी अपना शिकार बना रहा है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सैनिकों की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। इसके लिए यूक्रेन बड़ी संख्या में सेना में बंपर भर्ती भी कर रहा है। ताजा आंकड़ों की माने तो यूक्रेन की सेना में करीब 1.5 लाख नई भर्तियां हुई हैं, जिन्हें ट्रेनिंग देने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका और नेटो देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके लिए यूक्रेन ट्रेनर्स मुहैया कराने की अपील कर रहा है, ताकि सेना में भर्ती नए जवानों को तेजी से मोर्चे पर भेजा जा सके। दरअसल नई भर्तियों में जवानों को युद्ध के दौरान अपनाई जाने वाली तकनीक और बचाव के तरीकों की ट्रेनिंग दी जानी फिलहाल बाकी है, जिसको लेकर जेलेंस्की बेहद जोश में नजर आ रहे हैं। मगर पश्चिमी देशों से मिल रहे ढुलमुल रवैये के चलते वे अपनी नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। नेटो में अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा दे चुकी नूलैंड ने माना कि रूस के नए हमलों से यूक्रेनी सैनिकों के लिए सामने आना और विदेश में ट्रेनिंग लेना मुश्किल हो रहा है। हालांकि उन्होंने वेस्टर्न ट्रेनर्स को भेजने को लेकर गंभीर चेतावनी दे डाली है। उन्होंने इस पर चिंता जताते हुए कहा कि आधिकारिक तौर पर वेस्टर्न ट्रेनर्स को यूक्रेन भेजने से गैर जरूरी जोखिम बढ़ेगा, क्योंकि नेटो पहले से ही सदस्य देशों के इलाकों पर यूक्रेन की सेनाओं के लिए बड़ी संख्या में ट्रेनिंग दे रहा है। यूक्रेन के अंदर नेटो ट्रेनिंग सेंटर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सेना का टारगेट बन सकते हैं, जो कि सीधे तौर पर नेटो को जमीन में फंसा सकता है। इससे मौजूदा युद्ध एक अलग दिशा में बढ़ सकता है। साथ ही पुतिन को ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि नेटो इलाके उनके लिए उचित खेल हो सकता है। गौरतलब है कि व्हाइट हाउस बार बार इस बात पर जोर देता आया है कि वो यूक्रेन में ना तो अमेरिकी सैनिकों और ना ही अमेरिकी ट्रेनर्स को तैनात करेगा। रिटायर्ड अमेरिकी राजदूत ने भी इसका समर्थन करते हुए कहा कि मौजूदा हालात के मद्देनजर अभी भी ज्यादातर ट्रेनिंग यूक्रेन के बाहर करना सबसे अधिक तर्कसंगत है, बजाय यूक्रेन के अंदर ट्रेनिंग देने से। बताते चले कि अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गुट नेटो यूके, जर्मनी और पोलैंड समेत सदस्य देशों के इलाकों में यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है। उन्हें पश्चिमी देशों की ओर से दिए गए हथियारों को इस्तेमाल करना सिखा रहा है। इसी बीच एस्टोनियाई प्रधानमंत्री काजा कैलास ने दावा किया कि कुछ नेटो सदस्य देशों ने सैन्य कर्मी पहले से ही देश के अंदर यूक्रेनी सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे रूस के साथ सीधा टकराव नहीं होगा, क्योंकि सैनिक इसे अपने जोखिम पर कर रहे हैं। बताया जाता है कि एस्टोनिया और लिथुआनिया ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए ट्रेनर्स भेजने या सहायक सैनिक भेजने के लिए समर्थन व्यक्त किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पहली बार फरवरी में यूक्रेन में नेटो सैनिक भेजने का मुद्दा उठाया था और इसे एक ऐसा विचार बताया था जिसे खारिज नहीं किया जाना चाहिए। मई महीने की शुरुआत में रूसी रक्षा मंत्रालय ने अनुमान लगाया था कि मौजूदा साल ही यूक्रेन ने 1,11,000 से ज्यादा सैनिकों को खो दिया है। यूक्रेन अब तक नए कानून के जरिए हजारों अतिरिक्त सैनिकों को जुटाने की कवायद में जुट गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि पिछले 6 हफ्तों में रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के मुकाबले ज्यादातर इलाकों पर कब्जा जमाया है, जो पिछले साल अपने असफल जवाबी हमले के 6 महीनों में कब्जा करने में कामयाब रहा था।